जैसे कि हमने बात की कि डीएनए के सैम्पल को अगर हमें एनालाइज करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए तो उससे पहले हमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ती है और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं जो कि डीएनए को डिफरेंट साइज पे साइड्स पे क्लीव करने के बाद स्मॉलर और लार्जर साइज के फ्रेगमेंट्स क्रिएट करता है इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है For example, the amount of DNA which we are going to subject to the enzyme for the process of uh, restriction digestion, then which restriction enzyme we are going to use that is very important. Number three, the amount of DNA which we need to use for gel electrophoresis. other intheno points may a proper रिजल्ट या प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो अल्टीमेटली हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रैश हो जाता है देन अमाउंट ऑफ डी एन ए मीन्स दैट द अमाउंट फॉर डी एन ए रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस डाइजेशन रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन शुड बी सफिशेंट इनाफ फॉर ममेलियन जिनोम बिकॉज इनका साइज बहुत बड़ा होता है टेन माइक्रोग्राम ऑफ द डी एन ए मस्ट बी अवेलेबल टू परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरिस अगर हमारे पास जो डी एन ए साम्पल है वो टेन माइक्रोग्राम से कम होगा तो सब्सिक्वेंटली जब हम सदरन ब्लॉट में हाइब्रिडाइजेशन की स्टेज पे जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में जो सिग्नल रेडियक्टिव सिग्नल हमें रिकॉर्ड करना है दैट विल नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग विच कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्स फिल्म एंड प्रोसेस प्रोसीड फर्दर दैन द प्रोब विच आर नॉर्मली यूज

So, amount of DNA is must, and number two is the probe length and probe-specific activity. These should be kept in mind before performing any experiment that has to be go towards the southern blot. Then choice of restriction enzyme when we restriction enzyme use, then we should keep in mind that how much long or what size of the DNA fragment will be available. आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन डाइजे अगर हम कोई ऐसा एंजाइम चूज कर लेते हैं जो कि हमें नॉर्मली हंड्रेड बेसपेयर और हंड्रेड किलो बेसिस के एवरेज साइज पार्टिकल देता है डी एन ए फ्रेगमेंट क्रिएट करता है बट हमारे पास जो सैम्पल है डी एन ए का दैट इज हैविंग अ मीडियम साइज ऑफ फिफ्टी किलो बेसिस तो एनजाइम इज नॉट गोइंग टू प्रोपरली वर्क इट इज एडवाइज दैट द मीडियम साइज ऑफ द डीएनए बिफोर डाइजेशन शुड बी थ्री टाइम्स फ्रॉम द मीडियम साइज ऑफ द फ्रेगमेंट जनरेटेड So आपके पास अगर 50 किलो बेसिस का मीडियम साइज ऑफ फ्रेगमेंट का तो आपका जो डी एन ए है दैट शुड बी एटलीस्ट थ्री टाइम्स लार्जर देन दैट मीडियम साइज थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ डी एन ए फॉर जेल ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सैम्पल हो सोर्स ऑफ डी एन ए डिफरेंट हो सकते हैं बट सैम्पल हो उसमें हर सैम्पल में डी एन ए की क्वान्टिटी इक्वल हो दिस इज नॉट अ मस्ट हर सैंपल में डीएनए की क्वांटिटी वेरी करेगी बट हमें जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम इक्वल अमाउंट में डीएनए लोड करें सो द मोर प्रिस शुड बी टूवर्ड्स द अमाउंट ऑफ द डीएनए नॉट टू वॉल्यूम ऑफ द डीएनए जब हम बाद में अमाउंट और कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं तो वॉल्यूम्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि हम बात कर रहे हैं लार्ज साइज मेमिलियन जीनोम की मेमिलियन डीएनए की सो लार्ज साइज मेमिलियन डीएनए दी सैंपल्स आर मोर विस्कस और जब मोर विस्कस सैंपल एंड स्मॉल वॉल्यूम्स के हवाले से बात की जाती है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैर दी स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ हाईली विस्कस डीएनए विच कॉज द ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग ऑफ द बेस्ट चॉइस इज When we are going to analyze multiple samples, the best choice is to digest the DNA of sufficient amount from different sources, then determine the concentration by fluorometry and do the restriction digestion before gel electrophoresis. Concentration determination is fluorometry concentration determination and then electrophoresis. वॉल्यूम है डी एन ए साम्पल की वॉल्यूम उसको डिफाइन करने के लिए हमें कंसेंट्रेशन को देखना पड़ता है द मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन लेस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड दंसेंट्रेटेड सोल्यूशन द मोर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू गेट टेन माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए सो दंसनट्रेशन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट डी एन एज ऑफन वेरी लेस वॉल्यूम्स आर इवन हायर we cannot load all those volumes into the gel so we have to concentrate these dna samples and this concentration process can be done by precipitation the dna by precipitating it with the ethanol and then again measuring the concentration by fluorimetry and resuspending the dna into required volume of buffer and then we can use that dna sample for gel electrophoresis that is going to give you equal amounts of DNA in very low volume of the liquid or very low volume of buffers that can be accommodated in the gels.